Assalamualaikum everyone welcome to vocab gram in this lesson we are going to learn 10 common phrasal verbs with the meaning and sentences आ, ये मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड की थी जो मेरा फेसबुक ग्रुप है वो कैपग्राम के नाम से ही है उसमें शान मोहम्मद ने मुझे फ्रेजल वर्ब्स की एक लिस्ट प्रोवाइड की थी कि मैम प्लीज़ आप इसके ऊपर जो है वो लेसन बनाइए तो वो फ्रेजल वर्ब्स वैसे काफी ज्यादा हैं तो वो सारे तो मैं एक लेसन में कवर नहीं कर सकती तो मैंने सोचा है कि टेन टेन के साथ में इसकी डिफरेंट जो है ना लेसन जो है वो क्रिएट करूँगी तो ये उसका पहला लेसन है ठीक है आप लोग भी काइंडली मेरा फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए उसका जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है सो लेट्स बी इस, इस जगह पर यहाँ पर होगी ठीक है इस दिन होगी उसको पहले से प्लान है कि ये चीज होगी ये कोई इवेंट है कोई भी चीज है ठीक है लेकिन अगर फॉर सम रीजन उस uh, चीज को या उस इवेंट को या उस काम को कैंसिल कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि आपने उसको कॉल ऑफ कर दिया है उसके लिए ये प्रिजर्व कॉल ऑफ आप यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एग्जाम्स प्लान थे उनकी डेट फिक्स थी कि फ्लान डेट को जो है वो एग्जाम्स होंगे लेकिन फॉर सम रीजन अगर वो एग्जाम्स कैंसिल हो जाते तो आप कहेंगे कि एग्जाम्स हैव कॉल्ड ऑफ कि एग्जाम्स जो है वो कॉल ऑफ हो गए हैं मतलब कि वो कैंसिल हो गए हैं इसी तरह से हो सकता है कि, कि कोई इंसान जो है उसकी एंगेजमेंट जो थी वो तय थी कि इस डेट को उसकी एंगेजमेंट होगी लेकिन फॉर सम रीजन अगर वो

कि बॉस ने आज की जो मीटिंग थी उसको कॉल ऑफ कर दिया मतलब कि उसको कैंसिल कर दिया पहले से प्लान थी मीटिंग पर फॉर सम रीजन उसने उसको कैंसिल कर दिया उसको कॉल ऑफ कर दिया सेकेंड फेज है, वो है टर्न डाउन टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट और टू रिफ्यूज़ कोई ऑफर कोई प्रपोजल आपको आया और आपने उस ऑफर या उस प्रपोजल को अगर रिजेक्ट कर दिया उसको रिफ्यूज़ कर दिया मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपने उस ऑफर को या उस प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया है फॉर एग्जाम्पल आपको कोई जॉब ऑफर आई और फॉर सम रीजन आप वो जॉब नहीं कर सकते या तो हो सकता है कि आपके पास टाइम नहीं आपको कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है या वो जॉब आपको अपने लिए सूटेबल नहीं लग रही है तो आपने अगर उसको रिफ्यूज कर दिया आपने उसको मना कर दिया कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता या कर सकती इट मीन कि आपने उस जॉब को टर्न डाउन किया है ठीक है इसका सेंटेंस होगा दर्न डाउन दी मूवी ऑफर ये आपने अक्सर जो भी न्यूज चैनल्स होते हैं जो मूवी से रिलेटेड जो स्टार से रिलेटेड न्यूज देते हैं उसमें सुना होगा कि ये मूवी पहले फ्ला एक्टर को जो है वो ऑफर की गई थी तो उसने इस 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 मूवी को को जो है इस रोल को टर्न डाउन किया तो उसके बाद दूसरे एक्टर को ये दे दी गई तो टर्न डाउन का मतलब ये है कि उसने जो है वो उस उस ऑफर को जो उसको रोल ऑफर किया गया था उसने उसको करने से मना कर दिया उसने रिफ्यूज कर दिया या उसने रिजेक्ट कर दिया तो मतलब उसने टर्न डाउन कर दिया अनेक्स प्रेज इज ब्रिंग अप Bring up के दो मतलब होते हैं पहला तो ये है कि कि आप नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है और आप कोई एक खास जो टॉपिक है कोई सब्जेक्ट है कोई मुद्दा है कोई भी इशू है उस इशू के बारे में अगर आप बात करना शुरू कर दें उसको डिस्कस करना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि आपने उस टॉपिक को या उस इशू को ब्रिंग अप किया है ठीक है आपने उसके बारे में बात करना शुरू कर दी है इसका जो सेकंड मीनिंग है वो है ब्रिंगअप का परवरिश करना पालना पोसना ठीक है कि जैसे हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें करते हैं वो हमारी परवरिश करते हैं हमें पालते हैं पोसते हैं हमें बड़ा करते हैं अपने बारे में भी कह सकते हैं कि आई ब्रॉट इन इन आप जिस जगह से भी बिलोंग करते हैं कि आई ब्रॉट जैसे मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ तो मैं कहूंगी आई वॉज ब्रॉट इन लाहौर आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट इन लाहौर कि मैं लाहौर में ही पैदा हुई और लाहौर में ही मैं मेरी जो परवरिश हुई मैं बड़ी हुई ठीक है तो पाल पोस के बड़ा करना या बड़े होना जो हमारी परवरिश होती है उसके लिए भी आप ब्रिंग अप जो है वो प्रिजर्व अब यूज करते हैं और किसी खास टॉपिक के बारे में बात स्टार्ट कर देना उसको भी ब्रिंग अप कहते हैं ठीक है थीके? तो इसका सेंटेंस देखें जैसे इसका पहला सेंटेंस है वेन एवर आई टॉक टू हर शी ऑलवेज ब्रिंग्स अप हर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कि मैं जब भी उसे बात करती हूँ ना वो हमेशा अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में जो ना बात स्टार्ट कर देती है ठीक है कि वो ब्रिंग अप कर देती है अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है उसके रिलेशनशिप प्रॉब्लम उसके हस्बैंड के साथ चल रहे हैं या उसके इन लॉज के साथ चल रहे हैं तो आप जब भी उसे नॉर्मल कन्वर्सेशन भी करते हैं तो वो हमेशा अपनी जो भी इन लॉज के प्रॉब्लम्स हैं जो भी उसके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हीं के बारे में बात करना स्टार्ट कर देती है मतलब कि वो उस उन प्रॉब्लम्स को ब्रिंग अप कर लेती है ठीक है और सेकेंड सेंटेंस है शी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन ऑल अलॉन्ग जो जो मैंने इसका सेकंड मीनिंग है कि उसने अपने बच्चों को ऑल अलोन तन उनकी परवरिश की है ठीक है कोई ऐसी हो सकती है कि जो बिल्कुल अकेली हो हो सकता है उनके पास कोई सपोर्ट ना हो हस्बैंड की सपोर्ट भी ना हो किसी वजह से तो उन्होंने अपने बच्चों को अगर अकेले तन तनहा खुद ही पाला पोसा उनको बड़ा किया है तो इट मीन की शी अप हर चिल्ड्रेन ऑल अलोन ठीक है हैंड ओवर का मतलब होता है to give something to someone. किसी, को, किसी दूसरे इंसान को दे देना ये फिजिकली भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में किताब है आपने वो किताब किसी दूसरे इंसान को पकड़ा दी तो आपने वो किताब उसको हैंड ओवर की है ठीक है अपने हाथ से दूसरे इंसान के हाथ में दे दी ये फिजिकल भी हो सकता है, हैंड ऑफ करना इसके अलावा जो है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे इंसान को दे देना भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंड ओवर करना कहते हैं या किसी चीज का कंट्रोल किसी दूसरे इंसान को दे देना तो वो कंट्रोल को भी हैंड ओवर करना कहते हैं ठीक है थीके? जैसे इख्तियारा को हैंड ओवर किया जाता है जब एक सीट से कोई भी जगह होती है कोई भी जैसे हमारी जो ऑफिशियल्स होती है जगह कोई सीट्स होती है कोई पोजिशन होती हैं उस पोजिशन पे पहले कोई इंसान काम कर रहा था उसके बाद दूसरा इंसान उस पोजिशन पे अगर अपॉइंट हुआ है तो उसको वो तमाम और तमाम जो है जो नया इंसान उस उस पोजिशन पे आया है तो उसको हैंड ओवर की जाती है ठीक है मतलब कि उसको दे दी जाती हैं उसको ट्रांसफर कर दी जाती है ठीक है फिजिकली कोई चीज भी हैंड ओवर की जा सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंट्रोल वगैरह को भी हैंड ओवर किया जाता है ठीक है इन दोनों के लिए प्रिजर्वर भी यूज होता है इसका सेंटेंस देखिए अपनी जो कार की थी, उनको, उसको पकड़ाया, उसको पार्क करते, take का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम देखिए हैंड ओवर मैंने कहा था कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंट्रोल दे देना ठीक है आपने खुद दिया किसी को टेक ओवर का मतलब है कि आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंट्रोल जो है खुद ले लिया आपने खुद उसको अपनी तरफ ले लिया ठीक है हैंड ओवर देना है और टेक ओवर जो है वो लेना है तो इसका सेंटेंस क्या होगा मतलब कंपनी तो उस वक्त लॉस में थी वो बहुत बड़े खसारे में जा रही थी तो टेक ओवर का मतलब यह कंट्रोल कि कि रिस्पांसिबिलिटी को लेना take up. Take up के ना दो मतलब है पहला है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग किसी भी चीज को अगर आप करना शुरू कर देते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है और आपने नई पेंटिंग की क्लासेस ले ली या आपको कोई कोर्स जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले लिया आपने किसी भी किस्म का कोई कोर्स ले लिया ठीक है तो इसका मतलब है कि आपने वो क्लासेस या वो कोर्स जो है वो टेकअप की है कोई भी नया काम अगर आप करना शुरू करते हैं तो उसको टेकअप uh, करना कहते हैं ठीक है थीके? और इसका जो सेकंड मीनिंग है वो है कि हाउ मच ये फाइनेंशियल टर्म्स में यूज होता है फाइनेंशियल भी नहीं मतलब ये जो कंपनीज वगैरह के टर्म्स में यूज होता है कि how much people use a service or product. कि हाउ मच पीपल यूज सर्विस और प्रोडक्ट देखिए कितना एक किसी भी खास पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या एक सर्विस को कितने लोग जो है यूज कर रहे हैं उसको पसंद कर रहे हैं उसको खरीद रहे हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उतने परसेंट उसका टेकअप है उस खास प्रोडक्ट का या उस खास सर्विस का कि अगर आप कोई ऑफिस वगैरह में बोलते हैं ना कि हमारी प्रोडक्ट का इतने खरीद रहे हैं पसंद कर रहे हैं मतलब कि इतने लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी तो वो टेकअप है ठीक है तो दो मीनिंग है कोई नई चीज को स्टार्ट करना कोई नया काम कोई नई एक्टिविटी आपने स्टार्ट किया तो आपने उस न्यू एक्टिविटी को टेकअप किया है और जो है ना यहाँ पर जो प्रोडक्ट और सर्विस कितने परसेंट लोग जो है वो उसको इस्तेमाल करें तो वो उस प्रोडक्ट या सर्विस का टेकअप है ठीक है इसके मैं दोनों के सेंटेंसेज आपको बताती हूँ पहला सेंटेंस है आई टुक डांस क्लास लास्ट वीक मैंने लास्ट वीक जो है वो डांस क्लासेस जो है वो ज्वाइन की है मतलब मैंने टेकअप किए ठीक है आई टुक अप डांस क्लास लास्ट वीक और सेकंड हमारा सेंटेंस है अ न्यू प्रोडक्ट इज सक्सेस विद कि हमारी जो प्रोडक्ट है नई प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च की है वो एक सक्सेस है वो एक सक्सेस है वो कामयाब है क्योंकि सिक्सटी परसेंट उसका टेकअप है सिक्सटी परसेंट टेकअप का मतलब ये है कि जो मार्केट शेयर है हमारे पास वो सिक्सटी परसेंट है सिक्सटी परसेंट जो लोग हैं वो हमारी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और बाकी का जो फोर्टी परसेंट जो हमारे कम्पेटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट इज गेट ऑन गेट ऑन के जो है ना दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं वन इज़ टू हैव अ गुड रिलेशनशिप किसी के साथ अगर आपका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है आप आप एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं बड़े अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं आपकी बड़ी अच्छी बनती है तो इट मीन्स कि आप उन उस, उस इंसान के साथ गेट ऑन करते हैं ठीक है थीके? अब याद रखिएगा इस मक, इस मीनिंग में जो है ना गेट ऑन भी यूज होता है और गेट अलोंग भी यूज होता है अलोंग ए एल ओ एन जी ठीक है अलोंग दोनों का मतलब सेम है कि अगर आपका किसी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप आपकी बड़ी अच्छी बनती है किसी के साथ तो आप गेट जो फ्रेजल वर्ब है वो भी यूज कर सकती हैं और गेट ऑन फ्रेजल वर्ब भी यूज कर सकते हैं कि बहुत गेट ऑन वेल या वी बहुत गेट अलोंग क्वाइट वेल ठीक है कि हम दोनों जो है वो बड़े अच्छे से एक दूसरे के साथ हमारा जो मतलब कि आपस में जो ना हमारी बड़ी अच्छे से बनती है ठीक है इसका जो सेकेंड मीनिंग है वो है टू बी सक्सेसफुल किसी भी चीज में सक्सेसफुल uh, होना उसके लिए भी आप गेट ऑन जो है ना वो फ्रेसबुर्क यूज कर सकते हैं जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि अक्सर लोग पूछते हैं पेरेंट्स पूछते हैं कि हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज कि तुम्हारी स्टडीज के साथ तुम्हारा कैसा मामला चल रहा है उनका कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी सक्सेस कैसी चल रही जैसे अगर आपने नया कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो योर बिजनेस के, uh, के तुम हमारे बिजनेस के साथ तुम्हारा success, तुम्हारी सक्सेस कैसी तुम जा रही है क्या तुम ठीक जा रहे हो बिजनेस में सक्सेस सब कुछ ठीक चल रहा है चीजें जो है वो सक्सेस की तरफ जा रही है ठीक है तो गेट ऑन का मतलब ये है कि यहां दो लोगों के बीच में कि अगर आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है बड़ी अच्छी एक दूसरे के साथ बन रही है तो वो भी गेट ऑन है और किसी चीज में सक्सेसफुल uh, होने के लिए भी आप गेट ऑन जो है वो यूज कर सकते हैं ठीक है और इसका सेंटेंस होगा

Uh, किसी भी टॉपिक uh, को कोई इशू है कोई uh, मुद्दा है कोई मसला है कोई भी बात है उस बात पे अगर आप एक बड़ी डिटेल डिस्कशन किसी के साथ कर रहे हैं ठीक है तो इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग ओवर ठीक है टॉक ओवर का मतलब होता है किसी भी मसले को किसी भी इशू को किसी दूसरे इंसान के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करना इसका सेंटेंस होगा वट एवर इशूज यू गाइज है कि तुम दोनों के बीच में जो भी इश्यूज है ना जस्ट मतलब कि जस्ट उनके उनको बैठो और उनको डिटेल में आपस में ना डिस्कस करो क्योंकि मसले मसाइल जब वो हमेशा डिस्कस करने से बात करने से खत्म होते हैं अगर आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो बैठो उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करो बातचीत करो ताकि वो मसले मसाइल जो है वो सॉल्व हो सके नेक्स्ट इज खम अपम अप के जो है दो मतलब है एक है टू अप्रोच समवन टू अप्रोच समवन का मतलब ये है कि कि किसी के पास चल कर जाना जैसे कि, uh, आप खड़े हुए हैं और कोई इंसान चल कर आता है आपके पास और आपसे कोई बात करता है तो इसका मतलब है कि दैट पर्सन केम अप टू यू कि वो आपके पास चल के आया उसने आपको अप्रोच किया आपके पास आया ठीक है एक मीनिंग तो ये है जो सेकंड मीनिंग है वो है समथिंग एंड मैं Uh, किस दो लोगों के बीच में कोई बात डिस्कस हुई है या कोई बात मेंशन हुई है तो उसके लिए भी जो ना खम अप का वर्ड कि उनके दरमियान में जो ये ये बात है है डिस्कस हुई है या ये बात जो है वो मेंशन हुई है ठीक है तो उसके लिए भी ये वर्ब यूज होता है ठीक है जैसे अभी सेंटेंस में आपको समझ में आएगा फर्स्ट सेंटेंस इज ही अप टू मी एंड आस्क फॉर द नोट्स कि वो मेरे पास आया चलता हुआ आया

क्या बात जो है वो क्या मैटर या क्या बात जो है वो डिस्कस हुई है सो व्हाट मैटर केम अप बिटवीन बोथ ऑफ यू कि तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई है क्या मैटर डिस्कस हुआ है लास्ट वन इज यूज अप यूज़ अप का मतलब होता है टू कंज्यूम समथिंग कंप्लीटली कोई चीज पड़ी हुई है कोई भी चीज है और वो किसी इंसान ने सारी खत्म कर दी सारी इस्तेमाल कर ली तो इस मीनिंग में आप कह सकते हैं कि यूज अप के ही यूज अप दैट थिंग कि जो भी वो पर्टिकुलर चीज थी उसने वो सारी की सारी यूज अप कर ली मतलब उसने सारी खत्म कर दी कि आपकी परफ्यूम की बोतल हो सकती है आपको कोई छोटा भाई या बहन है या दोस्त है किसी ने भी आपकी सारी परफ्यूम की बोतल खत्म कर दी तो इसका तो मतलब है कि उसने आपकी परफ्यूम की बॉटल जो है वो यूज अप की है कंप्लीटली तो उसको जितनी भी उसमें थी सारी अगर कोई भी चीज अगर कंप्लीटली आ, कोई इंसान इस्तेमाल कर ले फिर उसको खत्म कर दे तो उसने यूज अप किया है ठीक है इसका सेंटेंस होगा ही शी अप ऑल मिल्क नथिंग इज़ लेफ्ट फॉर कि उसने तमाम जो दूध था जितना भी दूध पड़ा हुआ था वो सारा इस्तेमाल कर लिया है और अब चाय के लिए कोई भी दूध जो है वो बाकी नहीं बचा है ठीक है ओके फ्रेंड्स दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ़ दिस लेसन और एट द एंड ऑफ दिस लेसन मेरे मेरी आपसे एक जो है वो बड़ी पर्सनल सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे जो लेसन हैं इनको काइंडली शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देख रही हूँ कि वो देख तो रहे हैं मेरी मेरी लेसन को वीडियोज़ को पर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जहाँ भी हो सकता है किसी भी आ, अगर आप फेसबुक ग्रुप में हैं आपका कोई फेसबुक पेज है आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में है जहाँ भी आपके सोशल लिंक्स हैं अपने फैमिलीज अपने फ्रेंड्स के साथ काइंडली मेरे लेसन को जो है ना वो शेयर कीजिए ताकि मुझे ये जो लेसन है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और मैक्सिमम लोग जो है वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें थैंक यू सो मच आई सी यू नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़